मांडर उपचुनाव में पूर्व विधायक बंधु तिर्की की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अगर उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की जीत जाती है तो बंधु की नेतागिरी बच जाएगी, और अगर शिल्पी नेहा तिर्की की हार होती है तो बंधु कांग्रेस के अंदर भी अपना दमखम नहीं दिखा सकेंगे। आपके पास दो ताकतवर लोग होंगे, एक सड़क पर आंदोलन करेगा बंधु तिर्की और बिटिया सदन में आपके लिए बात रखेंगी। इस तैयारी के साथ हमको जाना है। आज भारतीय जनता पार्टी और AIMIM के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो चल रहा है, कि जो तुम्हारा उम्मीदवार कल तक था वो आज उसका कैसे हो गया, और ये रिश्ता क्या कहलाता है ये बताने का कष्ट करे जरा। मांडर में भाजपा जहां भ्रष्टाचार और कुशासन पर फोकस कर रही है, तो वहीं महागठबंधन के नेता आदिवासी अस्मिता और दलित अल्पसंख्यक को ध्यान में रखते हुए प्रचार चला रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं को विश्वास है कि ऐसा कर वो आदिवासी, ईसाई और मुसलमान को एकजुट कर भाजपा को पटखनी दे सकते हैं। इसके साथ ही बंधु तिर्की के लिए सहानुभूति भी बटोरने की कोशिश की जा रही है। राज को उन्हीं लोगों ने 20 साल तक चलाया जो इस राज को कभी अलग नहीं करना चाहते थे, और वो कौन है? वो है भारतीय जनता पार्टी का लोग। 20 साल तक यही लोग इस राज में राज किया। समय समय पर थोड़ा हम लोगों ने मिलजुल कर उन लोगों से थोड़ा समय के लिए कुर्सी से उतारा भी था, लेकिन उन लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से इतना मजबूत है कि धन बल के बदौलत खरीद फरोख्त करके चुनाव के मैदान में आता है। और हमारे गांव देहात के लोगों को, जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, उन लोग को बहला फुसला कर, किसी को हड़िया दारू पिलाकर, किसी को मीठ मुर्गा खिलाकर, किसी को पैसा देकर, किसी को मोटरसाइकिल देकर, किसी को गाड़ी देकर, किसी को ठेका टेंडर देकर के कुर्सी में आके बैठ जाता है। भाजपा की पूरी कोशिश है कि मांडर का चुनाव बाहरी भीतरी मुद्दे पर ना हो, लेकिन वो दूसरी तरफ 11 आदिवासी वोटरों को एक मुश्त अपना मानकर चल रही है। हालांकि ऐसा नहीं है। मांडर में एक और फैक्टर है, देव कुमार धार। मांडर में भाजपा या कांग्रेस की जीत इस बात पर निर्भर करेगी कि देव कुमार धार कितना वोट ला पाते हैं। अगर आदिवासी मुसलमान वोटरों का रुझान देव कुमार धार की ओर रहा तब शिल्पी नेहा तिर्की को मुश्किल हो सकती है। आप मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, आप इतने लालची क्यों हो गए? मुख्यमंत्री हैं और 11 एकड़ जमीन अपने नाम पे, अरे कितना खाएंगे? ये गड़ा तो भरना चाहिए ना। 11 एकड़ जमीन अपने नाम पे, और मुझे यकीन है कि आपने 11 एकड़ जमीन ले ली तो आप कानून के शिकंजे में आ गए बाप, और हो सकता है कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा भी देना पड़े इनको। तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग इंतजार में कि मैं बन जाऊंगा, मैं मंत्री बनूंगा। तुम मंत्री भी नहीं बनोगे ना संतरी बनोगे इंशाल्लाह उतारा। मांडर चुनाव से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन जिस तरह से रांची हिंसा और हेमंत पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के साए में ये